नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि IPL 2021 का दूसरा फेज जो है वो स्टार्ट होने वाला है 19 सितंबर से, जिसका फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। फिलहाल ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं BCCI के हवाले से। तो ऐसे में दोस्तों, अब IPL 2022 में हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पिछले 3 सालों से मिनी ऑक्शन हो रहा है, तो 3 साल के बाद जो है हमें हर बार मेगा ऑक्शन देखने को मिलता है। इसलिए एक बार फिर से हमें बड़े बड़े खिलाड़ी जो है कई नई टीमों के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं IPL 2022 में। वहीं सूत्रों के अनुसार खबरें ऐसी भी आ रही है कि जुलाई तक जो है 2 नई टीमों का टेंडर भी आ जाएगा, और IPL 2022 से हमें हो सकता है कि 8 की जगह 10 टीमें देखने को मिले। इसलिए दोस्तों, अब कई टीमें जो है कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी को वहाँ पर रिलीज़ करने वाली हैं, और कई खिलाड़ी को रिटेन भी करने वाली हैं। जैसा कि मेगा ऑक्शन का रूल है कि यहाँ पर टीमें जो है केवल 5 ही खिलाड़ी को रिटेन कर सकती हैं, जिसमें से वो 2 के ऊपर RTM कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी के 3 खिलाड़ी को वो परफेक्ट रिटेन कर पाएंगी। इसलिए भाइयों, यहाँ पर कई टीमें प्लानिंग करने वाली है कि उन्हें कौन से खिलाड़ी को रिलीज़ करना है और कौन से खिलाड़ी को रिटेन करना है। इसी कड़ी में इस वीडियो में आगे हम बातचीत करने वाले हैं कि RCB टीम जो है किसे रिटेन करने वाली है और किसे रिलीज़ करने वाली है, वो कौन से खिलाड़ी होंगे जिसे RCB टीम कन्फर्म रिटेन करने वाली है, और कौन से खिलाड़ियों के ऊपर वो RTM कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। सारी बातचीत हम आगे डिटेल में करने वाले इस वीडियो में। तो भाइयों, इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको डेली अपडेट्स हमारी तरफ से मिलती रहे। वहीं दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली RCB को ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी याद से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर दोस्तों आपको RCB टीम से जुड़ी और क्रिकेट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है लगातार रोजाना मिलती रहती है। तो भाइयों, फटाफट जाकर उसे भी ज्वाइन कर दो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मुझे क्रिकेट खेलना और देखना बेहद पसंद है, इसलिए मैंने हाल ही में My11 Circle नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जहां पर दोस्तों आप भी अपने क्रिकेट के नॉलेज का इस्तेमाल करके ढेर सारे पैसे जीत सकते हो। यहां पर खेलना बेहद ही आसान है। दोनों टीमों को मिला करके आपको खुद की 11 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आप चैंपियंस खिलाड़ी जैसे कि दादा रहाने और BVS लक्ष्मण के साथ में हेड टू हेड खेल सकते हो। तो दोस्तों, इस महीने जो है ढेर सारे क्रिकेट मैचेस होने वाले हैं, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट लीग और इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और भी ढेर सारे क्रिकेट मैचेस होने वाले हैं। इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपको यहाँ पर 1500 रुपये का वेलकम बोनस भी मिलता है। और दोस्तों, अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो ऐप को, तो आपको अपने पहले डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा कैश मिलने वाला है। आपके जीते हुए पैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी सेफ और सिक्योर है। यहाँ पर कई लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं हाल ही में। तो दोस्तों, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाकर इस ऐप को डाउनलोड करो और आज से खेलना स्टार्ट कर दो। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करें IPL 2021 की थोड़ा सा। तो IPL 2021 का दूसरा फेज़ जो है 19 सितंबर से शुरू होने वाला है। इसका फाइनल मुकाबला जो है 15 अक्टूबर को खेला जा सकता है, फिलहाल अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन हालांकि इसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों T20 वर्ल्ड कप भी होना है, तो ऐसे में डेट्स को थोड़ा सा आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि सितंबर में ही IPL 2021 की शुरुआत होने वाली है, इसे कम्प्लीट कराया जाएगा पूरी तरह से। और दोस्तों, हमें जो है IPL 2021 का चैंपियन भी मिलने वाला है सितंबर अक्टूबर के महीने में। तो दोस्तों, अब हम बात करें RCB टीम की, तो RCB टीम जो है फिलहाल IPL 2021 में अच्छा कर रही थी। पिछले कई सीजन जो RCB टीम के अच्छे गए हैं। 2020 में UAE में भी हुए IPL में RCB टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था और प्लेऑफ में जगह बनाई थी। स्टार्टिंग के मैचेस में उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन एंड के मैचेस में थोड़ा सा खराब प्रदर्शन की वजह से उन्हें प्लेऑफ से बाहर होना पड़ा था, जिसके बाद वो चैंपियन नहीं बन सके थे। उनका सपना जो है एक बार फिर से अधूरा रह गया था। लेकिन IPL 2021 में भी वो शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, मगर इस बार जो है कोरोना वायरस के चलते IPL 2021 को पोस्टपोन करना पड़ा, और इसका दूसरा फेज जो है सितंबर के महीने से शुरू हो जाएगा। अब इसी कड़ी में दोस्तों, IPL 2022 में मेगा ऑक्शन होना है, तो ऐसे में RCB टीम को वहां पर कई खिलाड़ी को रिटेन करने पड़ेंगे और कई खिलाड़ी को उन्हें रिलीज भी करना होगा। तो दोस्तों, बात करें हम कि आखिरकार RCB टीम जो है किस खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है और कौन से खिलाड़ी को रिलीज करने वाली है। तो भाइयों, पहले 2 खिलाड़ी होने वाले हैं यहाँ पर RCB टीम के। 2 मेन खिलाड़ी वो होंगे विराट कोहली और AB डिविलियर्स। RCB टीम की तरफ से दोनों ही खिलाड़ी जो है 2022 में भी हमें खेलते दिखाई देंगे, इसी टीम के लिए खेलते रहेंगे जब तक टीम इन्हें रिलीज़ नहीं करती है, क्योंकि ये दोनों ही RCB टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। विराट कोहली जहां पर टीम इंडिया के कप्तान हैं, वहीं दोस्तों AB डिविलियर्स जो है RCB टीम की जान है, वो कई मैच विनिंग पारियां खेल चुके हैं RCB टीम के लिए। इसी वजह से वो 2022 में भी हमें RCB टीम के लिए खेलते दिखाई देने वाले हैं, टीम इन्हें रिटेन कर लेगी। इसके बाद दोस्तों, हम बात करें और कौन से खिलाड़ी को RCB टीम रिटेन करने वाली, तो यहाँ पर भाइयों तीसरे खिलाड़ी के रूप में हो सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल जो है IPL 2021 में शानदार पारियां खेल रहे थे RCB टीम के लिए, मगर
कोविड के चलते आईपीएल 2021 को पोस्टपोन करना पड़ गया था। अब सितंबर 2021 में मैक्सवेल का प्रदर्शन कैसा होता है इसे देखते हुए आरसीबी टीम जो उन पर डिसीजन लेगी, क्या उन्हें रिटेन करना है या फिर उन्हें रिलीज़ कर देना है। मैक्सवेल जो है आईपीएल 2021 के पहले फेज में शानदार लय में दिखे थे, अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने आरसीबी टीम को कई मैच भी वहाँ पर जिताए थे। उन्हें आरसीबी टीम ने ज़्यादा पैसे दिए हुए, लगभग 14 करोड़ रुपये दिए हुए हैं, इसी वजह से शायद उन्हें आरसीबी रिलीज़ भी कर सकती है पैसे बचाने के चक्कर में। लेकिन अगर अच्छे फॉर्म में रहते हैं सितंबर अक्टूबर में आईपीएल के दूसरे फेज़ में तो आरसीबी टीम उन्हें रिटेन भी कर सकती है। इसके बाद दोस्तों आरसीबी जो है मोहम्मद सिराज के ऊपर आईटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है, उन्हें जो है कन्फर्म रिटेन कर सकती है। उनका हालिया फॉर्म जो है बेहद ही शानदार रहा है, भारतीय टीम के लिए उन्होंने अच्छा किया है। इसके अलावा दोस्तों आईपीएल 2021 के पहले फेज़ में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी आरसीबी टीम के लिए, अच्छे यॉर्कर्स डाले थे, अच्छे स्पेल्स डाले थे, लगातार विकेट्स निकाले थे और मैच विनिंग गेंदबाजी की थी। इसी वजह से दोस्तों आरसीबी टीम जो है सिराज को भी वहां पर रिटेन कर सकती है। तो मैक्सवेल और सिराज के ऊपर जो है आरसीबी टीम किसी एक के ऊपर आईटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है। बाकी जहां तक चांसेस है दोस्तों एबीडी और विराट को आरसीबी टीम पक्का रिटेन करने ही वाली है, वहीं मैक्सवेल या फिर सिराज के ऊपर आईटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है। जहां तक रूल्स की हम बात करें तो रूल्स के हिसाब से दोस्तों आरसीबी की टीम किसी तीन खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है, वहीं दो के ऊपर जो है आईटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि इससे कम भी कर सकते हैं मगर इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वहीं चहल की बात करें तो चहल भी एक ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जिन्हें आरसीबी टीम रिटेन करना चाहेगी, मगर उनका हालिया फॉर्म जो है बेहद ख़राब रहा है, वो भारतीय टीम के लिए भी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आईपीएल 2021 में भी वो लय में नहीं दिखे थे, विकेट्स निकालने में नाकाम रहे थे। शायद यही एक रीज़न है कि चहल को आरसीबी टीम जो रिलीज़ कर देना चाहेगी, वो आईपीएल 2022 में हमें किसी और टीम के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आरसीबी टीम के पास एक और अच्छा ऑप्शन होने वाला है पड्डिकल के रूप में, जिनके ऊपर वो आईटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके उन्हें भी रिटेन कर सकती है। तो यही सारे खिलाड़ी होने वाले हैं जो कि आरसीबी टीम में आईपीएल 2022 में हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि आरसीबी टीम के लिए एक बार फिर से हमें खेलता हुआ दिखाई दे आईपीएल 2022 में। बाकी सभी खिलाड़ी को टीम जो है रिलीज कर देगी। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, इतनी हमारी सारी डिटेल्स आरसीबी टीम के रिलीज और रिटेन लिस्ट को लेकर जो कि वो आईपीएल 2022 में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।